माँ विंध्यवासिनी के आशीर्वाद की छाया में बसे मिर्जापुर जिले की धार्मिक और प्राकृतिक महिमा अपरंपार है। माँ गंगा के किनारे स्थित विंध्यवासिनी देवी हो या तारकेश्वर महादेव, सीता कुंड हो या अष्टभुजा का मंदिर, चुनार का किला हो या तमाम जल प्रपात, ये सब मिर्जापुर की आध्यात्मिक और प्राकृतिक सुषमा में चार चांद लगाते हैं। इस पूरे क्षेत्र में विकास की नई गंगा बहाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में माननीय केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी उच्च गुणवत्ता वाली आधारभूत संरचना खड़ी करने में जुटे हैं। उसी कड़ी में उनके कर कमलों से 1750 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली दो महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का भूमि पूजन होने जा रहा है। इनमें 1709 करोड़ रुपए की लागत से NH-135A पर 15 किलोमीटर लंबाई में गंगा नदी पर 6 लेन पुल समेत 4 लेन का मिर्जापुर बाईपास का निर्माण होने जा रहा है। वहीं NH-330 और 35 पर 66 करोड़ रुपए की लागत से मिर्जापुर से प्रयागराज और प्रयागराज से प्रतापगढ़ तक 59 किलोमीटर लंबाई की सड़कों पर मरम्मत का कार्य यथाशीघ्र किया जाएगा। इन दोनों परियोजनाओं के पूरा हो जाने से मिर्जापुर जिले में आने वाले धार्मिक स्थलों तक श्रद्धालुओं के लिए आवागमन बहुत आसान हो जाएगा। वहीं मिर्जापुर समेत प्रयागराज और पूर्वांचल के कई जिलों में आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी। माननीय मंत्री श्री गडकरी जी के प्रयास से उच्च गुणवत्ता वाली सड़कों के कारण आर्थिक विकास को मिलने वाली गति इस समूचे क्षेत्र में प्रगति का स्रोत बनने जा रही है।